हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हाईवे इंजीनियरिंग के एक और लेक्चर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में ग्रेडियंट्स के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग अपने साइड डिस्टेंसेस को कंप्लीट किए थे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, उसके सारे न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको उनमें कोई डाउट्स नहीं होंगे। अगर आपको कोई भी किसी टॉपिक में, किसी पॉइंट पर अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा ग्रेडियंट्स, कि ग्रेडियंट्स कितने टाइप के होते हैं, IRC के क्या क्या रिकमेंडेशन है, कितने ग्रेडियंट्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें ग्रेड कॉम्पनसेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अब ग्रेडियंट क्या होता है, तो एक चीज़ तो आपको समझ में आता होगा कि आपका जो अर्थ का सर्फेस है वो आपको बिल्कुल ये स्ट्रेट ऐसा फ्लैट नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं डेड फ्लैट। ये होता है डेड फ्लैट, मतलब बिल्कुल ही फ्लैट, तो ऐसा फ्लैट तो है नहीं, तो इसमें कुछ अल्टरेशंस है, जैसे कि आपका कहीं पे सरफेस इस तरह से है, कहीं पे आपका किस इस तरह से है, तो इसको हम लोग कहते हैं जैसे कंट्री का क्रॉस स्लोप। जैसे हम लोग अभी कैम्बर डिस्कस करते थे तो उसमें हम लोग कंट्री के क्रॉस स्लोप के हिसाब से ये टेरेन डिसाइड करते थे ना, तो उसी तरह से अब ये जो आपको टेरेंस हो गए, इस टेरेंस में आपको ग्रेडियंट, जो आपका ये जो स्लोप होगा, मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्रॉस स्लोप होता है आपको, जो रोड का क्रॉस सेक्शन में जो आपको स्लोप होता है, तो इसके हिसाब से आपका कंट्री, क्योंकि आपके अर्थ का जो सरफेस होता है वो बिल्कुल कुछ ऐसा करके बहुत ही डिफरेंट टाइप का होता है, तो ये आपको डिसाइड करता है पहले कि टेरेंस कैसा होगा। उसके बाद जब हम लोग अब जब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, तो अगर हमारा ये कुछ इस तरह से सरफेस है अर्थ का, तो अब हम लोग अगर यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट अगर रोड बनाना चाहेंगे जो बिल्कुल फ्लैट होगा, तो हमें ये इतना सारा एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, तो ये कॉस्टली होगा। तो इसको अगर हम लोग अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि कई बार हम लोग अर्थ के सरफेस के साथ साथ ही चलते हैं। तो जैसे अगर हमारा अर्थ का सरफेस कुछ इस तरह से है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो अपने रोड्स बनाते हैं वो हम लोग रोड्स भी बिल्कुल कुछ इस तरह से ही साथ में बनाते हैं। अब इसमें अगर कहीं पे आपको फिलिंग रिक्वायर्ड होता है तो हम लोग फिल कर लेते हैं, या कहीं पे अगर आपको ये कुछ इस तरह से अर्थ ऊपर की तरफ रहता है तो हम लोग इसको कट कर लेते हैं, लेकिन हम लोग एक्चुअल में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ जाते हैं अर्थ के सरफेस के हिसाब से। तो इससे हम लोगों को क्या होता है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, जैसा अर्थ सरफेस है बस उसी में हम लोग फिलिंग करते चलते हैं, रोड बनाते चलते हैं। अगर इसको हम लोग और थोड़ा डिटेल में समझे, मान लीजिए आप कहीं माउंटेन्स पर जा रहे हैं, अब आपका माउंटेन का शेप कुछ इस तरह का है, अब इस पे अगर आपको रोड बनाना है, आप यहाँ से रोड आ रहे हैं और यहाँ से आप क्लाइंब कर रहे हैं, तो अगर आप इस पूरे माउंटेन को यहाँ तक अगर आप ब्रेक करना चाहेंगे और फिर आप इतना पूरा माउंटेन हटा करके यहाँ से रोड ले जाना चाहेंगे, तो ये काफी कॉस्टली होगा। आप समझ सकते हैं कि आपको ये पूरा यहाँ तक जो माउंटेन्स बना होता, आपको ये उतने माउंटेन्स को आपको ब्लास्ट करके हटाना पड़ा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये चीज नहीं करते हैं, और हम लोग जो माउंटेन का फिगर है, ये जो आपका माउंटेन का शेप है, अब हम लोगों को यहाँ क्लाइंब करना है इस पॉइंट से, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा रोड बनता है, हम लोग इस रोड को, अभी माउंटेन भी ऐसा कंसिडर कर लीजिए कि ये थोड़ा ना स्ट्रेट नहीं है, इस तरह से है, तो अब अगर हमें इस पे क्लाइंब करना है तो हम एक अपना पाथ जो फॉलो करेंगे, तो वो हम इस पॉइंट पे आने का एक स्ट्रेट पाथ इस तरह से फॉलो करेंगे। अब इसमें क्या होगा, यहां पे आपको फीलिंग आएगा, यहां आपको कटिंग आएगा, यहां पे आपको कटिंग आएगा, तो ये होता है हमारा जो कटिंग एंड फिलिंग जो हम लोग करते हैं, बट हम लोग किस तरह के ग्राउंड पे करते हैं ये कहलाता है हमारा ग्रेडियंट। तो अब ये हमारे रोड का लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, ये स्टार्ट है, ये एंड है, तो ये जो हम स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं ये हमारा कहलाता है ग्रेडियंट। ठीक है, कि हमें कितना, हम एक्चुअली थीटा में नहीं करते हैं इसको, हम लोग करते हैं कि कितने वर्टिकल पे हम लोग कितना हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो हम लोग 1:2 जो भी हॉरिजॉन्टल होता है वो हम लोग डिसाइड करते हैं, वो हमारा कहलाता है ग्रेडियंट। तो अब ये ग्रेडियंट का हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं, द ग्राउंड इज ऑलवेज प्रोवाइडेड विथ राइज एंड फॉल्स अलोंग इट्स लेंथ। जब हम लोग डिस्कस करते हैं कि चाहे आप माउंटेन पे जाइए या आप स्ट्रेट रोड पे जाइए, उसमें आपको कहीं पे राइज होगा, कहीं पे फॉल होगा, फिर कहीं पे राइज होगा, तो ये आपको डेफिनेशन कह रहा है कि द ग्राउंड इज ऑलवेज प्रोवाइडेड विथ राइज एंड फॉल्स अलोंग इट्स लेंथ, द रेट ऑफ दिस राइज एंड फॉल इज कॉल्ड द ग्रेडियंट। ये जो आपका राइज एंड फॉल हो रहा है, ये कितने रेट से हो रहा है, ये ग्रेडियंट कहलाता है। अब आपका ग्राउंड इस तरह का है, ठीक है, तो अब जब ये ग्राउंड यहां से यहां तक पहुंचा, इसका मतलब ये कोई वर्टिकल डिस्टेंस उसने कवर किया v, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर कर रहा था h, तो ये v/h का जो रेशियो होता है ये आपका कहलाता है ग्रेडियंट। ये हो गया नॉर्मल ग्राउंड का, प्लेन ग्राउंड का, फिर आप जब माउंटेन में जाएंगे तो सेम आपको ये v और h हो जाएगा, तो ये आपका कहलाता है ग्रेडियंट। अब जनरली हम लोग इस ग्रेडियंट को स्लोप भी कहते हैं, कई जगह पे आप देखेंगे स्लोप या फिर बैंकिंग वर्ड्स यूज होता है, वो आपको ग्रेडियंट को ही कहा जाता है, तो ग्रेडियंट को हम लोग स्लोप
या फिर बैंकिंग भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे बुक्स में अलग अलग टर्म्स होता है। अब ग्रेडियंट आपको शॉर्ट में है कि स्लोप ऑफ द ग्राउंड इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ये आपको समझा दिया है कि आपके जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है उसमें जो आप स्लोप प्रोवाइड करें वो ग्रेडियंट है, और जो क्रॉस सेक्शनल डायरेक्शन में जो आप स्लोप प्रोवाइड करते हैं वो आपका कैम्बर कहलाता है। तो अब कितने टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स होते हैं, तो फोर टाइप्स के आपके मेजर ग्रेडियंट्स हैं। आपको वैसे आपको पुशर ग्रेडियंट भी होता है, फिर आपको फ्लोटिंग ग्रेडियंट भी होता है, बट अगर आपके मेजर टाइप्स में अगर क्लासीफाई किया जाए तो आपको ये फोर टाइप्स है। अब ये क्या क्या है, सबसे पहला मिनिमम ग्रेडियंट, वो ग्रेडियंट जो आपके रोड में मिनिमम आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ताकि वाटर का ड्रेनेज हो सके प्रॉपरली। अगर आप बिल्कुल एक स्ट्रेट रोड बनाएंगे बिल्कुल फ्लैट, तो इस केस में अगर आपको रेनफॉल होगा तो क्योंकि आपको कैम्बर प्रोवाइडेड है, तो कैम्बर प्रोवाइडेड है तो आपको, अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन देखें तो इस तरह का कैम्बर प्रोवाइडेड है, बट रोड जो है ये बिल्कुल आपको स्ट्रेट ही जा रहा है, तो कैम्बर से वाटर ड्रेन होकर साइड्स में तो पहुंच जाएगा, बट उस साइड्स के बाद में वो ड्रेन नहीं होगा। तो उस अगर आपका यहाँ कोई रिवर क्रॉस कर रहा है और इस यहाँ पे अगर आपका रोड चल रहा है, तो इस यहाँ जो रेनफॉल होगा इसके वाटर को ड्रेन से ड्रेनेज करके आपको रिवर तक तो पहुंचाना पड़ेगा, वरना फिर वो वहां वाटर लॉगिंग होगा। तो ये जो ड्रेनेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इस ड्रेनेज के लिए भी आपको रोड का एक मिनिमम ग्रेडियंट रखना होगा। चाहे आप बिल्कुल प्लेन्स रीजन में अगर जा रहे होंगे, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन जिसको हम लोग कहते हैं, अगर आपका बिल्कुल प्लेन रीजन भी होगा तो भी आपको रोड में एक मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि रेनफॉल जब हो तो वो रेनफॉल होने के बाद जो वाटर आपके कैम्बर से आपके साइड ड्रेन में आएगा, उस साइड ड्रेन में अगर हम स्लोप नहीं प्रोवाइड रखेंगे तो वो आपको रिवर तक नहीं पहुंचेगा वाटर, तो वो फिर वाटर साइकिल डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसको मेंटेन रखने के लिए हम लोगों को एक ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ता है। अब अगर हम लोग रोड का ग्रेडियंट बिल्कुल सीधा रखें और सिर्फ ड्रेन में ग्रेडियंट प्रोवाइड कर दें तो वो भी फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि जहां पे आपको ग्रेडियंट बहुत डाउन हो जाएगा वहां पे वो रोड के मटेरियल से फिल हो सकता है, वो ड्रेनेज आपको ब्लॉक हो सकता है। तो इसके लिए सबसे बेटर पोजिशन यही होता है कि हम रोड को स्ट्रेट ना रख करके ड्रेनेज के साथ साथ, ड्रेन के साथ साथ एक मिनिमम स्लोप प्रोवाइड करते हुए हम लोग रोड को दें, तो ये कहलाता है आपका मिनिमम ग्रेडियंट। ये मिनिमम का मतलब ही है कि जब ग्रेडियंट रिक्वायर्ड ही नहीं हो तो भी आपको मिनिमम एक ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है ड्रेनेज पर्पज से, तो वो है आपका मिनिमम ग्रेडियंट। अब सेकेंड आता है आपका रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट को आप कह सकते हैं मैक्सिमम ग्रेडियंट, कि अगर आपको एक रोड है उसका अगर आपका टेरेन के हिसाब से, जैसे आपका प्लेन या रोलिंग टेरेन है, या फिर आपका माउंटेनियस टेरेन है, या फिर आपका स्टीप टेरेन है, तो किस तरह के टेरेन्स में आप कितना मैक्सिमम स्लोप प्रोवाइड करेंगे कि आपको वो स्लोप एक्सीड नहीं करना है, वरना फिर वो इनकन्वीनियंस होगा आपको, जो आपके पेडेस्ट्रियंस होंगे, जो आपके बुलक कार्ट्स होंगे, साइकिल रिक्शाज होंगे, ये इनको आपको ड्राइव करने में एफर्ट लगता है। जो अगर आप माउंटेनियस अगर आपका रीजन है उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट प्रोवाइड कर देंगे तो उसको आपको पेडेस्ट्रियंस को क्लाइंब करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा। तो उसके लिए आईआरसी ने कुछ लिमिट्स बनाए हैं कि आपको कितने कितने मैक्सिमम ग्रेडियंट्स, कितने आपको लिमिटिंग ग्रेडियंट्स प्रोवाइड करने हैं, उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो रूलिंग ग्रेडियंट आपका एक तरह से वो मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है जो आपको किसी भी टाइप ऑफ टेरेन्स में प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप कोई सी अगर आप माउंटेनियस टेरेन का ही खास एग्जांपल लीजिए, तो जब आप रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां पे आपको वो रूलिंग ग्रेडियंट जो आपका मैक्सिमम ग्रेडियंट है उससे थोड़ा और ज्यादा ही स्लोप प्रोवाइड करना पड़ता है थोड़े डिस्टेंस के लिए, ताकि वो कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कोई ऐसा बहुत बड़ा सा टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं या जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, उससे फिर ब्रेक करने से डिसबैलेंस हो जाएगा पूरा हिल आपका। तो आप क्या करते हैं कि यहां से तो आपका एक स्लोप में चल रहा है, फिर आप यहां सडनली एक स्लोप इंक्रीज कर देते हैं और फिर आप वापस स्लोप डिक्रीज करके फिर वापस कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये जो स्मॉल डिस्टेंस के लिए जो आप जब आप मैक्सिमम ग्रेडियंट को भी जब पार कर जाते हैं तो वो आपको कहलाता है लिमिटिंग ग्रेडियंट। तो ये आपको कंडीशंस होता है, आपको मैक्सिमम ग्रेडियंट यही होता है, ऑल इन ऑल रोड में आपको यही प्रोवाइड होगा, बट फिर भी अगर कहीं पे आपको थोड़े थोड़े इंटरवल्स में अगर आपको कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो आप इस रूलिंग ग्रेडियंट को क्रॉस करके आप लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये हो गया लिमिटिंग ग्रेडियंट। इसके बाद आता है आपको एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट क्या है कि खासकर जब आप स्टीप टेरेन या माउंटेनियस टेरेन में जाते हैं तो आपको जब बहुत ज्यादा ही स्टीप कहीं पे आपको अगर ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ता है तो आपको जब वो लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करने के बाद भी अगर आपको वो नहीं सेटिस्फाई कर पाता है, अगर आपको वो रोड वहां से नहीं प्रॉपर क्रॉस हो पाता है, तो आप प्रोवाइड करते हैं एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। ये एक्सेप्शनल ग्रेडियंट आपको सिर्फ माउंटेनियस और आपको स्टीप टेरेन्स में ज्यादा यूज होता है, क्योंकि आपको नॉर्मल प्लेन एंड रोलिंग टेरेन्स में उसके रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं, बट आपको वो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन्स में रूलिंग या फिर लिमिटिंग ग्रेडियंट तक ही आपको वो सेटिस्फाई कर जाता है। अब प्लेन एंड रूलिंग टेरेन में आपको
सिर्फ रूलिंग आपको ही ग्रेडियंट क्यों नहीं प्रोवाइड होता है, लिमिटिंग और एक्सेप्शन कहाँ से आता है? ये तो होगा कि आपको जब आप स्लोप पे जा रहे हैं। अब आप एक एग्जांपल लीजिए कि आपका एक हाईवे चल रहा है, इस पर क्रॉस सेक्शन बनाते हैं हम लोग, ये आपका हाईवे है, ठीक है। अब यहाँ आपका कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसका आपको रोड का सर्फेस यहाँ पे आ रहा है, मतलब उसका जो ओपनिंग है, अब उसको वहां से आपको रोड में कनेक्ट करना है, ये आपका ज्यादा मार्जिन नहीं है, मतलब उसको तुरंत ही यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो वो बहुत ज्यादा स्लोप में तो कनेक्ट नहीं कर सकता है, तो वो क्या करता है कि वो स्ट्रेट रोड यहाँ अपना बनाना चाहता है। तो उस केस में अगर आपका हाईवे अगर इस लेवल पे चलते हुए आ रहा है तो आपको उसको एक ग्रेडियंट प्रोवाइड करना होगा ताकि वो इस लेवल पे आने के बाद यहाँ तक अपना हाईवे आ जाए, फिर इसका एक्सेस इससे हो जाएगा और फिर वो वापस आपको नीचे की तरफ चला जाए। तो इसको हम लोग कई बार क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको फ्लाईओवर्स प्रोवाइड कर देते हैं, जब आपको किसी अगर आपका नीचे से क्रॉस रोड आ रहा है, अब आपको उसको क्रॉस करना है विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, तो आप क्या करते हैं फ्लाईओवर्स बना देते हैं। तो वो फ्लाईओवर्स में आप क्या करते हैं ग्रेडियंट ही प्रोवाइड करते हैं, तो वो ग्रेडियंट कितना प्रोवाइड करते हैं तो वो आप रूलिंग तक प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शन होता है कि आप बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं लो नहीं रख सकते हैं, आपको नीचे से हो सकता है रेलवे जा रहा हो तो रेलवे के आपके इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, तो उसके लिए आपको सडनली ही बहुत ज़्यादा राइज देना पड़ता है, तो आप लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपको एक्सेप्शनल ग्रेडियंट रोड्स में रिक्वायर्ड नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको लिमिटिंग प्रोवाइड करने तक ही आपका जो कंडीशन है वो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन्स में आपको सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन माउंटेनियस और स्टीप में आपको एक्सेप्शनल ग्रेडियंट तक प्रोवाइड होता है। तो ये है आपके चार टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट। अब इन चारों टाइप के ग्रेडियंट के लिए आईआरसी ने एक रिकमेंडेशन दिया है कि आपको किस टाइप के टेरेंस में आप कितने अपने ग्रेडियंट रखेंगे। सबसे पहला टेरेंस तो आपको पता है कि आपको प्लेन टेरेंस होते हैं, रोलिंग टेरेंस होते हैं, माउंटेनियस टेरेंस होते हैं, स्टीप टेरेंस होते हैं, ये हमने एक दो क्लास पहले डिस्कस कर रखा था। अब प्लेन एंड रोलिंग टेरेंस आपको सिमिलर माने जाते हैं, ये एक तरह के ही आपको कंट्री के स्लोप जो होता है क्रॉस स्लोप, ये एक तरह का माना जाता है। तो प्लेन एंड रोलिंग टेरेंस के लिए आपको एक कंडीशन दिया हुआ है, माउंटेनियस के लिए एक दिया हुआ है, और उस माउंटेनियस में भी आपको स्टीप के लिए देखिए कंडीशन क्या लिखा है, माउंटेनियस टेरेंस एंड स्टीप टेरेंस विथ एलिवेशन मोर देन 3000 मीटर फ्रॉम MSL, मतलब मीन सी लेवल। अब माउंटेनियस टेरेंस के लिए तो ये आपका सेकंड वाला टेबल है, लेकिन स्टीप टेरेंस जिसका जो आपका मीन सी लेवल से उसका एलिवेशन है वो 3000 मीटर से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपके जो हिल के जो सिटीज होते हैं, जो आपको हिल टॉप में जो सिचुएटेड होते हैं वहां की आपकी बात कर रहा है। और आप थर्ड लाइन देखेंगे तो स्टीप टेरेंस विद एलिवेशन अप टू 3000 मीटर, तो जब आप नॉर्मल अपने प्लेन टेरेंस से जब आप किसी हिली रीजन में जाते हैं तो आपको जो हिली रीजन के टॉप में जो आपका सिटी सिचुएटेड है तो आपको आपके बॉटम से टॉप तक जाने के लिए ज्यादा आपको ग्रेडियंट को कवर करना पड़ता है। उसके बाद जब आप हिल टॉप पे पहुंच जाते हैं तो वहां आपका ग्रेडियंट कम हो जाता है, तो इसलिए आपको सेकेंड वाले लाइन में माउंटेनियस टेरेन के साथ 3000 मीटर से अबोव वाले आपको जो एलिवेशन होते हैं वहां का आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और उसके बाद जो आपको जीरो से लेकर के 3000 मीटर का जो मीन सी लेवल का एलिवेशन होता है वहां तक के लिए आपको ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब एक एक करके समझते हैं क्या क्या होता है। मिनिमम ग्रेडियंट प्लेन एंड रोलिंग के केस में आपको 1 in 200 होता है, तो मिनिमम ग्रेडियंट एक्चुअली चारों कंडीशन में 1 in 200 ही होता है, क्योंकि आपको माउंटेनियस और स्टीप में वैसा कंडीशंस आता नहीं है कि आपको ड्रेनेज आपको ग्रेडियंट प्रोवाइड ही नहीं करना पड़ेगा, वो क्योंकि आपका टेरेन ही माउंटेनियस है तो मतलब आपको कॉन्स्टेंटली आपको ऊपर ही जाते रहना है या नीचे ही आते रहना है, तो ग्रेडियंट्स तो प्रोवाइड इसमें हमेशा होंगे ही, रूलिंग हो या लिमिटिंग हो या एक्सेप्शनल हो। लेकिन कई बार ऐसा कंडीशन आता है कि जब आप कहीं हिल पे आप क्लाइम कर रहे हो तो बीच में आपको एक फ्लैट पोर्शन आता है, अब वो इतना फ्लैट होता है कि आपको वहां पे ग्रेडियंट प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो उस केस में भी आप यहाँ प्रोवाइड करते हैं मिनिमम ग्रेडियंट। और प्लेन एंड रोलिंग टेरेंस में तो आपको मिनिमम जो अभी हम लोग ड्रेनेज के लिए डिस्कस कर रहे थे ये आपको 1 in 200 आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब हर 200 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे आपको 1 meter वर्टिकल डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये है आपका मिनिमम ग्रेडियंट। अब इसमें भी कंडीशंस बहुत सारे होते हैं कि अगर आपका कच्चा अगर आपका ड्रेन है जो आपका जिसका बॉटम आपका हार्ड सरफेस का नहीं होता है तो उस केस में वो एक्सीड करके 1 in 100 हो जाता है, मतलब 1% हो जाता है, लेकिन इन जनरल आपका 0.5%। तो 0.5% का क्या मतलब है कि 0.5 by 100, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 by 1000, तो ये क्या हो जाएगा 1 by 200, तो मतलब है कि आपको 200 हॉरिजॉन्टल इसमें आपको 1 vertical क्लाइम करना है, तो इसको हम लोग 0.5% भी लिखते हैं। अब आ जाते हैं रोलिंग ग्रेडियंट पे, तो प्लेन एंड रोलिंग के केस में रोलिंग ग्रेडियंट आपको 3.3% प्रोवाइड करना है, जिसको हम लोग 1 in 30 भी कहते हैं, मतलब 30 meter vertical पे आपको 1 30 meter हॉरिजॉन्टल पे आपको 1 meter vertical जाना है।
फिर जब आप लिमिटिंग ग्रेडियंट की बात करेंगे तो ये 5% हो जाएगा। मतलब अगर आपको कहीं पे थोड़ा ज्यादा ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है तो आप 1:20 प्रोवाइड करेंगे, मतलब आप 20 मीटर में आप 1 मीटर वर्टिकल प्रोवाइड कर देंगे। पहले आप 30 मीटर हॉरिजॉन्टल जाने पे 1 मीटर प्रोवाइड करते वर्टिकल, लेकिन अगर आपको लिमिटिंग प्रोवाइड करना होगा तो आप 20 मीटर जाने पे ही आप अपना 1 मीटर वर्टिकल प्रोवाइड कर देंगे। अगर एक्सेप्शनल की बात करें तो 6.7%, मतलब आपको 15 मीटर पे ही आपको 1 मीटर प्रोवाइड कर देना है वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये आपको हो जाएगा आपको प्लेन एंड रनिंग के केस में आपका मिनिमम रूलिंग लिमिटिंग एंड एक्सेप्शनल ग्रेडियंट्स। अब इसके बाद हम लोग आते हैं माउंटेनियस टेरेन में और स्टीप टेरेन्स में, जिसमें आपको उसका जो एलिवेशन होगा वो 3000 मीटर कम से कम होगा मीन सी लेवल से उन कंडीशंस पे। तो इन दो कंडीशंस पे आपको मिनिमम ग्रेडियंट तो यही रह जाएगा, लेकिन आपको जो रूलिंग ग्रेडियंट है वो 5% हो जाएगा, लिमिटिंग 6% हो जाएगा और एक्सेप्शनल आपका 7% हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका स्टीप टेरेन्स, जिसका एलिवेशन आपको 0 मीटर फ्रॉम मीन सी लेवल से 3000 मीटर फ्रॉम मीन सी लेवल तक का है। तो उस केस में आपको मिनिमम वही रहेगा, रूलिंग आपको 6%, लिमिटिंग 7% और एक्सेप्शनल 8% हो जाएगा। तो ये है आपको आईआरसी का रिकमेंडेशन कि आईआरसी आपको क्या रिकमेंड करता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन हो जाता है, आपको कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है कि माउंटेनियस टेरेन में लिमिटिंग ग्रेडियंट कितना होता है। तो माउंटेनियस टेरेन में लिमिटिंग ग्रेडियंट आपका 6% होता है। तो ये आपको डायरेक्टली एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एसएससी जेईई हो कि गेट हो या फिर आपके सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हो, इस सबका ये एक क्वेश्चन होता है। ग्रेडियंट्स के कितने टाइप होते हैं ये एक थ्योरी क्वेश्चन बनता है, उन चारों टाइप्स को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और उसके साथ में आपको ये टेबल प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये आपका एक थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन जो आपका बनता है वो बनता है आपका ग्रेट कॉम्पनसेशन पे कि ग्रेट कॉम्पनसेशन क्या होता है, और एक छोटा सा उसके साथ में न्यूमेरिकल ऐड कर देता है कि आपको ग्रेट कॉम्पनसेशन कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब जब हम लोग ग्रेट कॉम्पनसेशन अभी डिस्कस करेंगे उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये फॉर्मूला क्या है और कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो टोटल आपको ग्रेडियंट से ये आपको 3-4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आ सकते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स, उसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा स्टेबल के साथ में। ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि आपको इस टेबल में से कोई सा भी वैल्यू पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शंस देगा, आपको उसमें से चूज करना पड़ेगा, और या फिर आपको ग्रेट कंपनसेशन से आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ग्रेट कंपनसेशन से एक ही क्वेश्चन बनता है, या तो वो थ्योरी में पूछेगा, तो थ्योरी आपको क्योंकि आपके 4 और 6 मार्क्स के आते हैं तो ग्रेट कंपनसेशन का थ्योरी डायरेक्टली नहीं आएगा, एक थ्योरी के साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल हो सकता है। तो अब हम लोग ये हो गया हम लोग का ग्रेडियंट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रेट कंपनसेशन क्या होता है। तो अब जब हम लोग किसी भी रोड में जब हम लोग कर्व प्रोवाइड करते हैं, जब आप कर्व पढ़े होंगे पिछले सेमेस्टर में हॉरिजॉन्टल कर्व्स, तो जब आप हॉरिजॉन्टल कर्व किसी रोड में प्रोवाइड करते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे जो आपका डिज़ाइन स्पीड आपके रोड्स का स्ट्रेट रोड्स का होता है वो कर्व पे आकर के आपका स्पीड लिमिट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि उसमें सेंट्रिफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है तो वो आपके व्हीकल को आपके सर्कुलर पोजीशन से बाहर निकाल देगा। तो उसके लिए आपका स्पीड का एक लिमिट सेट किया जाता है। तो पर्पस क्या है कहने का कि जब आप कहीं पे भी कर्व प्रोवाइड करते हैं तो पहले ही आपके व्हीकल के मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन आता है, लेकिन अगर आप कर्व प्रोवाइड करने के साथ साथ अगर आप उसमें ग्रेडियंट भी प्रोवाइड कर देंगे, जैसे आपने माउंटेन रीजन्स में देखा होगा कि कई बार आपको हेयरपिन बैंड कवर करना पड़ता है, इस तरह का आपका माउंटेन रीजन में एक कर्व बना हुआ रहता है। अब ये आपको डायरेक्टली अगर सिर्फ एक कर्व हो तो इसका एक आपका स्पीड का लिमिट होगा, वो तो आप प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अगर हम लोग इसका वर्टिकल एलिवेशन, इसका सामने से अगर हम लोग एलिवेशन देखें तो ये आपका रोड आ रहा था और आपने इसमें कुछ इस तरह का कर्व प्रोवाइड कर दिया। ये हम एलिवेशन की बात कर रहे हैं, मतलब ये आपका हाइट की बात हो रही है, ये आपका वी डिस्टेंस है। तो आप जो रोड को इस तरह से कर्व तो ले ही जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में आप क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। मतलब अगर आप इस हाथ को एक स्ट्रेट रोड समझे, और अगर आपको हम एक नॉर्मल हॉरिजॉन्टल कर्व में क्या होता है कि ये दोनों हाथ सेम जगह पे होते हैं, सेम लेवल पे, और आपका गाड़ी सिर्फ एक यू टर्न लेकर के आपको इस रोड में आ जाता है। लेकिन अगर हम इस रोड को यहाँ रख दें और आपका स्ट्रेट रोड यहाँ आ रहा है, अब आपको यहाँ से यू टर्न लेके यहाँ आ रहा है, तो आप किस तरह का पाथ फॉलो करेंगे? एक तो यहाँ से आप कर्व लेंगे, लेकिन वो कर्व आपका वर्टिकल डायरेक्शन में भी जाएगा, तो मतलब कर्व भी रहेगा और वर्टिकल डायरेक्शन में भी जाएगा, तो वो आपको डबल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। एक तो पहली हॉरिजॉन्टल कर्व में आपका स्पीड लिमिट होता है, आप स्पीड को रिड्यूस करते हैं, अगर आप 120 के स्पीड से स्ट्रेट रोड में कवर कर रहे हैं तो आप कर्व पे उसको 80 या 90 के स्पीड पे कर देते हैं, फिर आप उसमें ग्रेडियंट भी प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो ग्रेडियंट भी प्रोवाइड कर देने से वो और ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। तो आईआरसी कहता है कि एक लिमिट तक, मतलब अगर आपका 4% ग्रेडियंट तक अगर आपका ग्रेडियंट है तो कोई ग्रेट कंपनसेशन नहीं करना है। मतलब ग्रेड कंपनसेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी ग्रेडियंट आपने दिया, इस ग्रेडियंट को हम लोग ग्रेड भी बोलते हैं, तो ये जो ग्रेडियंट आपने प्रोवाइड किया, इस ग्रेडियंट अगर ये कुछ ज्यादा ही लिमिट में है, मतलब लिमिट से ज्यादा बाहर है, तो आपको इसको कंपनसेट करना पड़ेगा कुछ वैल्यूज से, कुछ परसेंटेज आपको इसमें रिड्यूस करना पड़ेगा।
तो वो कहता है आईआरसी कि आपको 4% तक अगर आपका ग्रेडियंट प्रोवाइडेड है, मतलब अगर जैसे आप यहाँ देख रहे हो 3.3% ग्रेडियंट है, तो ऐसे अगर केसेस हैं तो आपको ग्रेट कंपनसेशन नहीं अप्लाई करना है। लेकिन अगर आप 5%, 6%, 6.7% अगर आप ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में आपको एक ग्रेट कंपनसेशन प्रोवाइड करना है कि जो आपके ग्रेड को रिड्यूस करेगा। मतलब आप जब इस रोड से इस रोड तक आ रहे थे तो अगर आप ग्रेडियंट आप प्रोवाइड कर रहे थे 6%, तो आईआरसी के हिसाब से आपको कुछ वैल्यू इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो अब वो कितना वैल्यू माइनस करना पड़ेगा, तो वो है आपको ये दो फॉर्मूलाज, 30+R/R और सेकेंड फॉर्मूला है 75/R। इन दोनों में से जो आपका मिनिमम वैल्यू होता है वो वाला आपको ग्रेडियंट ग्रेट कंपनसेशन होता है, मतलब वो वैल्यू आपको ग्रेडियंट में से माइनस करना पड़ता है। तो अब एग्जाम्पल लें, अगर हम लोग एक 75 मीटर रेडियस के कर्व का एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब आपका रेडियस 75 मीटर है कर्व का और आप ग्रेडियंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ग्रेडियंट कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लेते हैं हम लोग 5% प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन टाइप से ही समझते हैं कि 5% ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हैं, 75 मीटर उसका रेडियस है, तो हम लोगों का ग्रेट कंपनसेशन कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 30+R मतलब 75+30 करेंगे, डिवाइडेड बाई 75, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 75/R है तो मतलब यहाँ हो जाएगा 75, तो ये वाला वैल्यू जो भी होगा आपको ये 105/75 होगा, मतलब ये मोर देन 1 होगा, और ये आपको 75/75 मतलब 1 होगा, तो ये आपको परसेंटेज होगा, जो ये आता है ये वैल्यू जो हुआ ये आपको परसेंटेज बताता है। तो आपका यहाँ 1.something% आया इस फॉर्मूला से, और इस वाले से आपका 1% आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इट इज द मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट कंपनसेशन, इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होता है, तो हमारा 1% हुआ। तो मतलब क्या है कि हम लोग 5% ग्रेड पहले प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन आईआरसी कहता है कि अगर 75 का रेडियस होगा और 5% ग्रेड होगा तो आपको 1% उसमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आप रिड्यूस करेंगे इसमें -1%, मतलब आप उस जगह पे जहां पे आप ऐसा 5% का आप ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे थे और कर्व भी प्रोवाइड कर रहे थे, वहां अब आप 5 नहीं देकर के आप 4% प्रोवाइड करेंगे। ये कहता है आईआरसी, इसको कहते हैं हम लोग ग्रेट कंपनसेशन। ये आपने लास्ट क्लास में रेलवे के केस में भी पढ़ा था, जब हम लोग लास्ट सेमेस्टर में हम लोग जब रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे तो उसमें भी आपको ये ग्रेट कंपनसेशन बताया गया था, ठीक है। तो अब ये 4% जो आपका हुआ, तो अगर आपका ग्रेडियंट यहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर 4% ही होता तो उस केस में आप क्या प्रोवाइड करते। तो अगर आपका 4% होता तो आईआरसी कहता है इट इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर ग्रेडियंट लेस देन 4%, मतलब अगर आपका 4% से कम का ग्रेडियंट होता, 4 या 4 से कम का, तो आप उसमें कोई कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन अगर 4 से ज्यादा का होगा तो उस केस में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आपको क्या आता है कि ग्रेडियंट 4% दे देगा, रेडियस 75 रहेगा, अब बोलेगा इसमें ग्रेट कंपनसेशन कितना करना है, तो उसमें ग्रेट कंपनसेशन आपको निकाल लेना है कि कितना करना है, बट ग्रेडियंट क्या होगा, तो ग्रेडियंट आपको फिर 4% ही रखना है। मतलब अगर आपका 4% पे भी अगर आपका 1% यहाँ कंपनसेशन आता है, तो इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए कि 4% - 1% ग्रेट कंपनसेशन क्या होता है, ग्रेट कंपनसेशन इज इक्वल टू ग्रेडियंट, नहीं सॉरी, फाइनल ग्रेड, अगर हम ये बात करें कि फाइनल ग्रेडियंट ये होता है आपको ग्रेडियंट प्रोवाइडेड माइनस ग्रेड कॉम्पनसेशन, ये आपका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, ठीक है। तो अब आपका फाइनल ग्रेडियंट अगर आपको कभी पूछता है कि कितना है, तो पहले ही आपको 4% प्रोवाइड कर रखा है, अब इसमें माइनस आप कर रहे हैं, मान लीजिए आपका 1% आया, तो इसका मतलब फाइनल ग्रेडियंट 3% हो जाएगा, बट आईआरसी कहता है कि किसी भी कंडीशन में 4% से अगर आपका कम होगा तो आप ग्रेट कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो इसका मतलब है कि 4 - 1 = 3 होना चाहिए, बट आपका जो आंसर होगा वो = 4% ही होगा, क्योंकि वो आपका ब्रैकेट में आप लिख देंगे एज पर आईआरसी मिनिमम ग्रेडियंट इज 4%, मतलब 4 के नीचे आपका हो ही नहीं सकता है ग्रेट कंपनसेशन, ठीक है। तो यही होता है आपका ग्रेट कंपनसेशन। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि ग्रेट कंपनसेशन क्या होता है। आपको नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड हैं, आप उसमें जाके सारी चीज़ों के थ्योरी को आप आराम से पढ़ सकते हैं, फिर आप इस वीडियो को देख करके इन सारी चीज़ों को एक बार दोबारा रिवाइज़ कीजिए, इसको दोबारा देखिए, इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके टाइमिंग के साथ भी आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं कि कितने मिनट कितने सेकंड्स के आपके लेक्चर में आपको वहाँ पे डाउट है। अगर आपको 14 मिनट 30 सेकंड पे जो मैंने कहा अगर आपको वो डाउट है तो आप उस तरह से भी आप अपना कमेंट कर सकते हैं, तो उससे आपको जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो आई होप आपको आज के क्लास में ये ग्रेडियंट्स और ग्रेट कंपनसेशन क्या होता है ये समझ में आ गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।